अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं यूएस पॉलिसी ऑन इंडियन ओशन। द यूएस वाज अ की प्लेयर इन इंडियन ओशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, बट लेटर वाशिंगटन रिड्यूस्ड इट्स एंगेजमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी। द यूएस प्रेजेंस इन इंडियन ओशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू सपोर्टिंग इट्स मिशन इन अफगानिस्तान एंड मिडिल ईस्ट, बट इन 2008 ड्यू टू चाइनीज राइज इन द रीजन, पेंटागन क्लियरली एंड पब्लिकली स्टेटेड दैट यूएस विल डेवलप एन इंडियन ओशन स्ट्रेटजी सिंस द यूएस इज प्लेइंग एन ऑफशोर बैलेंसिंग डॉक्ट्राइन थ्रू इट्स एलाइज। तो हमने देखा कि यूएस जो है वो बहुत ज्यादा इन था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970s, 80s और 90s में, क्योंकि उसने वियतनाम में ऑपरेशन शुरू किए हुए थे, उसकी मिलिट्री प्रेजेंस थी वियतनाम में, उसकी मिलिट्री पोलिटिकली प्रेजेंस थी कोरिया में और बहुत सारी जगह पे उसकी मिलिट्री बेसिस थी। बट जब से यूएस ने मिडल ईस्ट की तरफ रुख किया तो उसने अपने इन एरियाज को उस तरह मेंटेन नहीं किया। बट 2008 में जो पेंटागन है उसने क्लियरली ये पॉलिसी डिवाइस करने का कहा कि हम जो है वो इंडियन ओशन जो स्ट्रेटेजी है उसको डिवाइस करेंगे, और तभी से जो यूएस है वो ऑफशोर बैलेंसिंग डॉक्ट्राइन जो है वो बना रहा है इस रीजन में। जो ऑफशोर बैलेंसिंग डॉक्ट्राइन है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दी थी। देन आता है जी, जब यूएस है, चाइना है, तो दुनिया की एक और जो मेजर पावर है वो कैसे पीछे रह सकती है? रशिया। रशिया टू इंटर इंडियन ओशन चेस बोर्ड। इन 2020 रशिया अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू नेवल बेस इन सूडान फॉर अ पीरियड ऑफ 25 इयर्स। दिस प्रोवाइड्स मॉस्को विद स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू रेड सी एंड बाय एक्सटेंशन टू बाबल मंदब, वन ऑफ द की चोक पॉइंट इन इंडियन ओशन। सऊदी अरेबिया एंड टर्की आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग देयर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद द आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन, विच कुड लीड टू अ न्यू पावर डायनामिक्स। अच्छा जी, जिस तरह यूएस है, चाइना है, उसी तरह रशिया का भी कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है इन इंडियन ओशन। तो रशिया जो है यूएस की तरह और चाइना की तरह उसने भी पॉलिसी डिवाइस की और सूडान में अपनी एक नेवल मिलिट्री को बनाने का ऐलान किया फॉर द पीरियड ऑफ 25 इयर्स, जो कि यूजली बन गई तो ये फिर परमानेंट ही उनकी रहेगी। अब ये जो बेस है, मिलिट्री बेस, वो मॉस्को को मींस रशिया को जो कैपिटल है उसको हेल्प करेगी कि वो इंडियन ओशन स्ट्रेटजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइस करे। इसी तरह जो सऊदी अरेबिया है और जो टर्की है वो भी अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो इंडियन ओशन के जो आइलैंड्स हैं या नेशंस हैं उनके साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमें नजर आता है कि 2019 में जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान के विजिट पर आए थे तो उन्होंने गवादर में $10 बिलियन की ऑयल फील्ड जो है वो बनाने का ऐलान किया था, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं बनी। बट ये कोई पाकिस्तान को गिफ्ट नहीं था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इससे स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि वो अपनी जो इंडियन ओशन की स्ट्रेटजी है उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि वो भी इस इलाके में मेन इन्फ्लुएंस के तौर पर सामने आए। अब जो सऊदी अरेबिया है उसको दो सी कनेक्ट होते हैं, एक है रेड सी और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ। ये दोनों जो स्ट्रेट्स हैं या दोनों जो सी हैं ये लेके जाते हैं सऊदी अरेबिया को इन इंडियन ओशन। तो सऊदी अरेबिया जो है उसकी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है इस वजह से, ना टर्की की है, तो इस वजह से ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन ओशन स्टेट्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज जो है वो समझ लें, आइलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ जो है वो पानी होता है, फिर पेनिनसुला होता है जिसकी तीन साइड जो है वो वाटर वाली होती है और एक साइड जो है वो लैंड वाली होती है। जिस तरह सऊदी अरेबिया है उसकी तीनों साइड जो हैं वो वाटर वाली हैं और एक जो है वो लैंड वाली है। देन लैंड लॉक कंट्रीज होते हैं जो कि बिल्कुल किसी ओशन के साथ नहीं कनेक्ट होते, जैसे कि अफगानिस्तान है या हमारे कार्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। फिर हिंटरलैंड्स होती हैं जो कि लिटोरल स्टेट्स के साथ होती हैं, और जो लिटोरल स्टेट्स होती हैं वो होती हैं जिनके बॉर्डर सी के साथ होते हैं, ओशन के साथ होते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि क्या है इंडियन एम्बिशंस इन इंडियन ओशन।
इंडिया कंसीडर्स इटसेल्फ एज अ नेचुरल प्रीमिनेंट पावर इन द इंडियन ओशन एंड पोंडर इंडियन ओशन एज इट्स बैकयार्ड। अब जहरी बात है, इंडिया से ही इंडियन ओशन निकला है, तो जो इंडिया है वो इस इलाके को या इस ओशन को अपना जो बैकयार्ड है वो तस्लीम करता है या वो मानता है। इंडिया इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ इंडियन ओशन टूडे। 95% ऑफ ट्रेड बाई वॉल्यूम इन इंडिया कम्स बाय इंडियन ओशन एंड नियरली 80% ऑफ इट्स ऑयल शिपमेंट्स एज वेल। तो जो इंडिया की 95% ट्रेड है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होती है, और जो उसकी ऑयल शिपमेंट्स हैं 80% जो ऑयल शिपमेंट्स हैं वो भी इंडियन ओशन के थ्रू ही होती हैं। इंडिया इज ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ओशन। इन 2008 इंडिया कैप्चर्ड 4.1 बिलियन टन ऑफ फिशेज, प्लेसिंग इट 6th इन द वर्ल्ड। तो सिर्फ ट्रेड के हवाले से ही इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। अगर देखा जाए तो 2008 में इंडिया ने 4.1 मिलियन टन ऑफ फिशेज जो हैं वो यहाँ से पकड़ी, जो कि उसको बनाते हैं 6th इन द वर्ल्ड इन कैप्चरिंग द फिशेज। अच्छा जी, इस इमेज में देखें तो आपको क्लियरली डिफाइन होगा कि इंडिया जो है और जो पाकिस्तान है सेम, क्योंकि 1947 से पहले तो ये दोनों एक ही इलाके थे, बरेसगीर था ये एक ही था। तो इस पिक्चर में साफ क्लियर नजर आ रहा है के जो प्रीएमिनेंट पावर है वो इंडिया ही है। तभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा या बहुत बेहतरीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है उस पे फैला हुआ है। तो इस जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसको हम अपने सी पैक के लेक्चर में डिटेल से कवर करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जो इंडियन ओशन में ये सारी राइवलरी चल रही है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान पे। सबसे पहले आते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पाकिस्तान शेयर द 990 किलोमीटर कोस्ट लाइन विद अरेबियन सी एंड इज अमंग द मेजर लिटोरल स्टेट। तो पाकिस्तान जो है वो 990 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है वो शेयर करता है अरेबियन सी, क्योंकि जो अरेबियन सी है वो डायरेक्ट ही इंडियन ओशन में आता है। पाकिस्तान वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज एडजेसेंट टू गल्फ एंड मेक इट अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर प्रोवाइडिंग एस्टेब्लिश एंड शॉर्टेस्ट एंड सिक्योर सी रूट्स टू लैंडलॉक कार रिपब्लिक ईस्ट एशिया प्रोविंसेस ऑफ चाइना एंड पैसिफिक नेशंस। तो देखी जाए जो पाकिस्तान की वेस्टर्न जो आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, गवादर की जो पोर्ट है, कराची की जो पोर्ट है, यहाँ से पाकिस्तान जो है अगर सही मानों में पॉलिसी डिवाइस करे तो वो दुनिया को जो इम्पोर्ट्स है वो पहुंचा सकता है शॉर्टली एंड सेफली। इसको मैं अपने सीपैक के लेक्चर मैं डिटेल से कवर करूंगा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट का हामिल है, इसकी क्या पोजीशंस हैं और कैसे पाकिस्तान से हम दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन है वो है स्ट्रेटेजिक लेवल, क्योंकि यहाँ से हम दुनिया को जो ट्रेड है वो पहुँचा सकते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमिक लेवल। तो जो पाकिस्तान है वो अपने 95% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही करता है, और 100% जो अपनी ऑयल शिपमेंट्स है वो इंडियन ओशन के जरिए ही कैरी करता है। जो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान ऑयल परचेज करता है, एलएनजी जो है वो कतर से परचेज करता है, तो वो इंडियन ओशन के जरिए ही पाकिस्तान की गल्फ पर आते हैं। और ये जो है एक शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। द BRI एंड इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम CPAC is heavily dependent upon the Indian Ocean. जो BRI है, Belt and Road Initiative, और उसका जो flagship program है CPAC, बहुत ज्यादा important के हामिल हैं, क्योंकि अगर CPAC जो है वो derail हुआ, उसको कोई खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा, then जो Chinese investment है 500 billion dollar की BRI के shape में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसको हम CPAC के लेक्चर में कवर करेंगे। However, पाकिस्तान इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी और पॉलिसी इज स्टिल लैकिंग, बट अ मिलिट्री ड्रिल बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान सी गार्डिंग 2020 सिग्निफाइड पाकिस्तान पोस्चर इन फाइनली डेवलपिंग अ कंक्रीट इंडियन ओशन पॉलिसी। तो हमने देखा कि जिस तरह बाकी स्टेट जो है वो इतना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, चाइना इंटरेस्ट शो कर रहा है, रशिया इंटरेस्ट शो कर रहा है, US इंटरेस्ट शो कर रहा है, जिनके अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इंडियन ओशन में, तो
पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिसी इस हवाले से डिवाइस नहीं की अब तक कि वो इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकता है इंडियन ओशन से। बट हमने देखा कि जो मिलिट्री ड्रिल्स हुई बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान जो रिसेंटली होती हैं, जिस तरह अमन एक्सरसाइज होती हैं, यहाँ पर सी गार्डियन है, तो हमें इनसे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान जो है वो अब स्ट्रेटेजिकली एक पॉलिसी बनाने के मूड में है या अपने आप को एज अ मेजर पावर इन इंडियन ओशन वो प्रेजेंट करने के काबिल हो रहा है। अच्छा जी, इस इमेज को आप जरा देखें तो आपके मैं कंफ्यूजन यहीं से दूर कर देता हूं, या इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि कैसे जो गवादर है वो एक शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट ट्रेड वो प्रोवाइड कर रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना से ही जो मेजर शिपमेंट्स हैं वो दुनिया को जाती हैं, चाइना जो मैन्युफैक्चर करता है वो दुनिया को पहुंचाता है। तो अगर ये गवादर ना हो देन जो चाइना को अपनी जो ऑयल शिपमेंट्स हैं और जो बाकी शिपमेंट्स हैं वो बहुत लंबा सफर तय करके थ्रू कोलंबो देन सिंगापुर देन हांगकांग, मतलब के थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उसको ये सफर तय करना पड़ता है। बट अगर जो गवादर है वो डेवलप हो जाए और पाकिस्तान में जो रोड का नेटवर्क है वो डेवलप हो जाए देन चाइना को बहुत कम जो है वो रास्ता तय करना पड़ेगा और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो देन बहुत ज़्यादा कम आएगी। और सेफेस्ट किस वजह से है, एक तो वहां पर इतनी ज्यादा पावर पॉलिटिक्स चल रही है और दूसरा ये जो रास्ते हैं जब रास्ते जो हैं वो लंबे हो जाते हैं देन इनमें बहरी कजाक जो है वो आ जाते हैं और शिप्स जो होती हैं उनको लूट लेते हैं। तो जो एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रेट है मिडल ईस्ट और जो पाकिस्तान को मिला रही है, तो ये एक तो सेफेस्ट भी हैं, सिक्योर भी हैं और शॉर्टेस्ट भी हैं। अभी इतने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जो सीपैक का लेक्चर होगा उसमें डिटेल से कवर करवाऊंगा कि और बीआरआई के सेक्शन में कि कैसे जो है थ्रू बीआरआई और सीपैक दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेड होगी इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। देन पॉलिटिकल लेवल है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, द मेजर पावर पॉलिटिक्स इन इंडियन ओशन रीजन इज गेटिंग अ रीजन मोर वल्नरेबल इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान हैविंग अ अटेंटिव लेस इंडियन ओशन पॉलिसी विल हैव अ ग्रेट इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान हैज नॉट रीच्ड ऑन अ लेवल टू होम साइड दे आर वेदर द चाइना और द यूएस ऑन द इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही इस कन्फ्यूजन में रहा है कि वो किसका साथ दे। हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं यूएस पे, यूएस से एड आती है, यूएस हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो एक्सपोर्टर मार्केट है, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो मोस्टली यूएस में जाती है। बट अगर हम देखें तो चाइना भी है साथ, जिसने हमारे मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसी डिवाइस करना जिसमें बैलेंस वो बना सके, तो आज तक जो है वो पाकिस्तान वो ऐसी कोई पॉलिसी डिवेलप नहीं कर सका। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि किस साइड को वो चूज करे, चाइना की तरफ हो, चाइना की तरफ होगा तो यूएस जो है वो हाथ उठा लेगा, हो सकता है वो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को जो है वो कम कर दे, और अगर पाकिस्तान यूएस की तरफ होता है तो चाइना जो है वो फिर हमें लोन वगैरह ना दे या जो बाकी एड जो वो देता है तो वो हो सकता है ना दे। तो पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए ऐसी कोई पॉलिसी डिवाइस करे कि बैलेंस हो सके। तो हम देखते हैं जी रिकमेंडेशन कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है इंडियन ओशन की जो पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। द फर्स्ट वन इज नेवल फोर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती हैं वो नेवी की फोर्सेस होती हैं, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। बट पाकिस्तान है उसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर है वो है ही नेवल, तो हमें अपनी नेवल फोर्सेस को एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है ताकि वो इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा सकें। देन द सेकेंड वन इज सी पैक शुड बी कम्प्लीट ऑन टाइम। सी पैक अगर टाइम पे कम्प्लीट हो जाता है और ट्रेड रिजम्पशन हो जाती है यहाँ से, देन पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली कम्पीट करने का अहल हो सकता है। क्लोज एंड ब्रॉड मैरीटाइम कोऑपरेशन विद चाइना, तो पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ एक अपनी मैरीटाइम जो पॉलिसी है उसको डिवाइस करे कि कैसे हमने इंडियन ओशन में अपनी जो धाक है वो बिठानी है।
लास्ट वन इज फोकस ऑन नेवल डिप्लोमेसी। तो पाकिस्तान को अपनी नेवल डिप्लोमेसी जो है वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। पाकिस्तान को अभी जरूरत नहीं है कि वो अपनी लैंड फोर्स है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो नेवल डिप्लोमेसी जो है वो क्रिएट करे, दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन करें। हमारा जो नेवल चीफ है उसकी ज्यादा विजिट्स होने चाहिए, ना कि हमारे जो लैंड फोर्सेस के चीफ्स हैं उनकी ज्यादा, क्योंकि इन द फ्यूचर और हमेशा से ही जो नेवी है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहती है और होती है। आते हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन ओशन पे। द इंडियन ओशन हैज बिकम अ मेजर टेस्टिंग ग्राउंड फॉर ग्रेट पावर्स एंड वेल एज फॉर अदर स्टेट। तो ये एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है कि कौन जो है इस ओशन पे कब्जा करेगा या हुक्मरानी करेगा, क्योंकि हमने देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली। तो स्टेट्स जो हैं उनको चूज करना पड़ सकता है, और अगर वो चूज करती हैं देन एक ब्लॉक बन जाएगा जो कि इस खत्ते के लिए बहुत ज्यादा इनएविटेबल होगा। ड्यू टू वाइंग ऑफ पावर द चोक पॉइंट्स में बिकम वल्नरेबल बाय अटैक्स फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट सेक्टर। तो क्या होगा जब स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे का मुकाबला करेंगी, हमसरी करेंगी हर जगह पर, तो जो चोक पॉइंट्स हैं हो सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उस पे सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया कब्जा कर दें और वो खोले ना दूसरे स्टेट्स के लिए। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर सकती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज US न्यू पॉलिसी अगेंस्ट चाइना। तो 2022 में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं चाइना को कंटेन करने के लिए फ्रॉम US। तो जो एंटनी ब्लिंकन है, आई थिंक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो उन्होंने जो जापान का विजिट किया था आई थिंक उसमें उन्होंने नई पॉलिसी जो है वो डिवाइस करवाई थी कंपटीशन विद चाइना के नाम से, और जो पॉलिसी थी उसको तीन वर्ड्स में सम अप किया था। फर्स्ट वन इज इन्वेस्ट, के जो US है और उसके एलाइज हैं वो इन्वेस्ट करेंगे इन डेमोक्रेसी, जो कंट्रीज हैं उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो डिमिनिश हो रही हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि इंडिया में अथॉरिटेरियनिज्म प्रिवेल कर रहा है, तो US जो है वो इन्वेस्ट करेगा ताकि वो लोग जो हैं उनकी डेमोक्रेसीज में इन्वेस्ट करेगा ताकि वो लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिकली स्ट्रॉन्ग हो सके। देन सॉफ्ट पावर पर वो काम करेगा, अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा, और जो चाइना है उसको एज अ अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो दिखाएगा, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चाइना सेंट्रिक होती हैं, जिनमें दिखाया जाता है जो चाइनीज पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, और मतलब के ऐसे लोग हैं जो कि ना रिलीजन को फॉलो करते हैं ना जो सोशली सही हैं किसी भी तरीके से। तो जो US है वो अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको शो करेगा दुनिया के सामने, और जो चाइना की पावर है, जो चाइनीज कल्चर है उसको डिस्टोर्ट करके पेश करेगा इनोवेशन, और जो US है वो फिर इनोवेशन करेगा इन डिफरेंट फील्ड्स ताकि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों। द सेकंड वन इज अलाइन, तो जो US है वो अलाइन करेगा अपने एलाइज के साथ और उन लोगों के साथ वो अलाइन करेगा जिनसे उनकी आइडियोलॉजीज मिलती हैं, या कॉमन ग्राउंड्स पे अलाइन करने की कोशिश करेगा। कॉमन ग्राउंड्स का मतलब जैसा पाकिस्तान है उसको टेररिज्म का मसला है, और US जो है वो टेररिज्म पे बहुत ज्यादा खुल के सामने आता है क्योंकि वो खुद शिकार रहा है टेररिज्म का 9/11 पे। तो ये एक कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा, तो जिन कंट्रीज के साथ कॉमन ग्राउंड मिलते होंगे तो US जो है वो अलाइन करने की कोशिश करेगा, देन कम्पीट, और वो किसी भी हद तक जाएगा अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए और चाइना को कंटेन करने के लिए।